हाय एवरीवन, फिर एक बार आ गया हूँ मैं आपके सामने लेकर लेक्चर नंबर 3A। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD कहते हैं। खासकर ये लेक्चर्स जो बनाया गया है बोर्ड के हिसाब से बनाया गया है, और जो लोकल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसा स्टे इन मुंबई महाराष्ट्र, तो हमारे वहाँ MST CET होता है। तो अब जो ये लेक्चर्स बनाए गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, और जो इसके MCQ है वो MST CET लेवल के लिए है। बट अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो ये जो क्वेश्चंस हैं मेंस लेवल तक आपको काम कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो थियरी लेक्चर है, ये थियरी लेक्चर इट इज आइडेंटिकल टू दोज हु आर फ्रॉम CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड वालों के लिए भी ये काम करेगा थियरी लेक्चर, एंड देन महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए भी काम करेगा। और कोई बच्चा अगर ISC से है, ISC, ये लेक्चर उनके लिए भी काम करने वाला है। तो ये जो लेक्चर्स हैं मेरे, पहले मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रख रहा हूँ, जो बोर्ड की बुक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप पढ़ते हैं टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो टैंजेंट होता क्या है? अच्छा, अगर इन डेप्थ की मैं बात करूं, डेप्थ में कोई बच्चा समझना चाहे कि डेरिवेटिव और टैंजेंट का क्या लेना देना है, तो ये देखो, ये एक कर्व है और ये एक पॉइंट है। सपोज करो ये पॉइंट है एक्स पे f(x) है। सो इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, x, f(x) यू नाम दे दिया। ये बी है, बी के करस्पॉन्डिंग ये सपोज करो एच के डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट x+h हुआ, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग f(x+a) बना, f(x+h), सॉरी इसे यू पकड़ लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। मैं पूछू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी का स्लोप क्या होगा? तो ये पॉइंट क्या है, तो ये है x+h, f(x+h), f(x+h) स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। ए बी का स्लोप क्या होगा, तो इट्स y2 - y1, f(x+h - f(x) / x+h - x। तो ये कॉर्ड ए बी का स्लोप होगा। फिर मैं कहूंगा अगर मैंने इसे यूं, यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे अगर बी लिया होता तब क्या होता, तो बच्चा बोलता सेम वही मेथड से हम ये भी निकालते, अभी भी कॉर्ड होता। मैं कहूंगा व्हाट विल हैपन अगर मैं कॉर्ड को, कॉर्ड की बजाय, कॉर्ड ए बी की बजाय मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट ए बी बोलूंगा, टैंजेंट ए बी, अगर मैं टैंजेंट ए बी बोलना चाहता हूँ तब। फिर बच्चा बोलेगा टैंजेंट ए बी कैसे होगा सर, क्योंकि टैंजेंट तो कर्व को एक ही पॉइंट, अगर टैंजेंट है वो तो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो ए और बी, चाहे उसको ए बोलो चाहे बी बोलो, तो टैंजेंट ए बी कैसे नाम होगा, ठीक है। तो ए और बी तो इक्वल होने चाहिए, तो एग्जैक्टली मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो तुम जैसे जैसे ये जो पॉइंट बी है इसके नजदीक आता रहेगा, तो वैसे वैसे कॉर्ड की बजाय, मतलब कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी अभी भी दिखा रहा है, लेकिन मान लो ये ए है और बी लगभग इसके यहाँ आ जाए, ये बी है, जब तुम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन तुम्हें ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। उस केस में ए और बी जो है ना ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है। बच्चा बोलेगा ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हो सर, ए और इक्वल टू बी बोलो ना, एक एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये बीच का डिफरेंस h→0, ये जो बीच का गैप h है वो h→0 मतलब इतना पास हो जाए, ये मान लो ये x है ये x+h है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं जब ड्रॉ करूंगा तो ए और बी ऑलमोस्ट एक पॉइंट आएंगे, तब ये लाइन टैंजेंट बन जाएगी, f(x+h - f(x)/h, कुछ ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर तुम टैंजेंट लिखना चाहते हो, टैंजेंट लिखना चाहते हो, तो फिर ये चीज ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी है, ये टैंजेंट ए बी है, ठीक
ठीक है। फिर एक बच्चे से मैं पूछूं कि बेटा ये कहीं देखा है, समझदार बच्चा बोलेगा सर ये तो आपने डेरिवेटिव में पढ़ाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो एग्जैक्टली, तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो गया, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो गया, या डीवाई बाई डी एक्स हो गया। तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, कोई बच्चा बोले सर आप क्या बोलना चाहते हो, तो मैं कहूंगा देखो मैं बहुत सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ कर्व, ठीक है, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स को हम बोलेंगे जनरल स्लोप ऑफ ऑफ टैंजेंट टू कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जनरल कर्व टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा। और अगर इसी डी वाई बाई डी एक्स में आप एक स्पेसिफिक पॉइंट डाल देते हो, जैसे पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो मैं ऐसे लिख देता एफ डैश एक्स वन वाई वन, तो फिर ये बन जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिख दो, ठीक है। तो फिर अब ये जो बनेगा, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट, एट द पॉइंट, एट पॉइंट पी, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप बन जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कोई बच्चा बोले इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये तो मतलब उसका स्लोप इस फॉर्मेट में होगा, लेकिन स्लोप जब टैंजेंट बनेगा तो स्पेसिफिक पॉइंट पे बनता है ना, वो पॉइंट तुम्हें पुट करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट जो ड्रॉ किया उसका स्लोप देगा, ठीक है, एट पी एक्स वन वाई वन। फिर एक और टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे, नॉर्मल, ये हो गया टैंजेंट, ये हो गया टैंजेंट, इसे कहते हैं टैंजेंट, इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल। टैंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ठीक है, टैंजेंट उस पॉइंट पे टच करता है, नॉर्मल पास होता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो टैंजेंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इसलिए स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर यू कैन से दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, या माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, प्रोवाइडेड डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट गोइंग टू बी जीरो एट दैट पॉइंट, जैसे माइनस डी एक्स बाई डी वाई भी लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर जो पढ़ा रहे उसमें हमको करना क्या है एग्जैक्टली, चलो उसमें क्या कहता बताता हूँ तुम्हें, चार स्टेप फॉलो करना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये निकालना है, ठीक है, किसी भी कर्व पे टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि वाई इक्वल टू एफ एक्स, तुम डी वाई बाई डी एक्स ले लो, एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई जो भी है, ये तुम्हें एफ डैश एक्स वाई जो भी आ जाएगा, फिर उस डी वाई बाई डी एक्स में वो पॉइंट डाल दो पी एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट डाल दो, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स वन वाई वन, ठीक है, ये मिला तुम्हें टैंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ एम मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ टैंजेंट। फिर अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है कि टैंजेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, एसपीएफ। अभी देखो ये कर्व है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कर्व पॉइंट पी पे टैंजेंट, पी एक्स वन वाई वन इस पॉइंट पे टैंजेंट, तो वाई माइनस वाई वन, स्टेप वन से हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ द टैंजेंट टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे नॉर्मल इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो स्टेप थ्री में जब 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 हम जाएंगे तो हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, यूं करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लो। स्टेप फोर में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल अगेन मैं बता दे रहा हूं, ये टैंजेंट है,
ये नॉर्मल है, दोनों पॉइंट एक ही से पास होते हैं, नॉर्मल बाई एसपीएफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, एंड दैट स्लोप पॉइंट फॉर्म वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। ओके, अब चलो हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कर्व है, टैंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन में हम जाते हैं, सॉल्यूशन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2e2x एंड 2 का डेरिवेटिव 0। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट में बदलने के लिए इस डी वाई बाई डी एक्स में आप ये पॉइंट डाल दो एट 0,4, मतलब एक्स की जगह पे 0 डालो, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e रेस टू 0, 2 ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1, स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू 2। ठीक है, देयर फॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब कोई बच्चा बोले स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। सो वाई सारे टर्म को उस साइड ले लो तो भी चलेगा, या वाई इक्वल टू 2x प्लस 4 ऐसे लिख दो। फिर अगली बात करें नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, नॉर्मल टैंजेंट पे परपेंडिकुलर है इसलिए स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1, देयर फोर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, क्योंकि देखो टैंजेंट का स्लोप तो 2 आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, एंड दैट स्लोप पॉइंट फॉर्म इज वाई माइनस 4 इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 0। सो 2y-8 इक्वल टू -x, एंड एडजस्टिंग ऑल द टर्म्स एक्स प्लस 2y-8 इक्वल टू 0। सो लुक एट हियर, कितना सिंपल था ये। सो मोटा मोटी बात करो, कोई बच्चा कहे कि सर आप क्या सिखा रहे हो इसमें, तो मैं कहूंगा टैंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना सिखा रहा हूँ। कीप इन माइंड dy बाई डी एक्स टैंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे पास ये भी एक सेकेंड क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन भी है, तो मैं दो में से एक करूंगा। आई होप इसमें वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 दिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होमवर्क, ये इसे होमवर्क ले लो और इसे मैं कर देता हूँ। चलो 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव √3, एक्स इंटू वाई दोनों वेरिएबल है तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाई एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, 2y² का डेरिवेटिव 2y, और पहले वाई स्क्वायर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, देन वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड 5 का डेरिवेटिव 0। नाउ एडजस्टिंग ऑल, लेट मी ओपन द ब्रैकेट, 2x-√3x। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वाई डैश भी डेरिवेटिव ही रिप्रेजेंट करता है, वाई डैश भी एक सिंबल हम यूज करते हैं, तो अगर आप ऐसे भी लिखते हो 4y(y'=0), ये दो टर्म में से वाई डैश अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4y-√3x, और ये पूरे टर्म सुधर जाएंगे, -2x+√3y। एम आई राइट? वाई डैश इक्वल टू माइनस, माइनस को इसे दे दो तो ये हो जाएगा 2x+√3y, ये डिनोमिनेटर में आएगा और फिर उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इट बिकम √3x-4y। नाउ वाई डैश एट द पॉइंट √3,2, इस पॉइंट पे डालते हैं, तो यहाँ पे डाला इट इज गोइंग टू बी एक्स की जगह पे इट्स अ 2√3, वाई की जगह पे 2 डाला तो अगेन इट्स अ 2√3, एक्स की जगह पे √3 डाला तो √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √3 -4 इंटू 2,
जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है ये हो गया 4√3 और ये हो गया 3 - 8 माइनस 5, तो ये टैंजेंट का स्लोप आ गया 3 - 8, ये टैंजेंट का स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 4√3 बाई माइनस 5 एक्स माइनस एक्स वन। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। इसके आगे तुम करना टैंजेंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, टैंजेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है। सो पीछे प्रीवियस थोड़ा सा, हाँ ओके ठीक है, टैंजेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो अगर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो 5/4√3 होता है, 5/4√3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस टू इक्वल टू 5/4√3 एक्स माइनस रूट थ्री। अब इसके आगे करना क्या है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई और जहां तक कर सकते हो वहां तक करो। ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसे काफी इजी क्वेश्चंस में काउंट किया जाता है। अब देखो, अब ये भी एक न्यूमेरिकल है और ये भी, तो मैंने दो न्यूमेरिकल में से एक ये होमवर्क के लिए रखा है और मैं इसे कर देता हूं। सो डेरिवेटिव अगर लिया तो x साइन 2y का डेरिवेटिव cos 2y, फिर 2y का डेरिवेटिव y डैश प्लस साइन 2y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू वाई कॉस 2x का हो गया माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस कॉस 2x वाई का y डैश हो गया। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि सर ने क्या किया है। तो मैं y डैश के टर्म कलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे टर्म उस साइड लेके जाता हूँ एंड इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये उधर गया तो ये हो जाएगा x cos 2y इंटू 2y डैश माइनस cos 2x इंटू y डैश इक्वल टू साइन 2y साइन 2y, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस 2y साइन 2x। y डैश कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अगर ये टर्म नीचे में कर दूँ, यहाँ से पहले तो माइनस कॉमन ले लूँगा, साइन 2y माइनस 2y साइन 2x एंड ये टर्म जो भी बच गया इसके नीचे डालता हूँ, तो x cos 2y इंटू 2 2x cos 2y माइनस cos ऑफ 2x बरोबर है, लगभग लगभग तो ये सही दिख रहा है। अब ये पॉइंट डाल दिया जाए y की जगह पे π/2, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी पुट ऑल द पॉइंट्स, y डैश इक्वल टू माइनस ओके साइन 2y, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस 2 × π/2 साइन 2x, ये डाल दिया जाए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 45 का डबल 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 2x की जगह पे π/4 cos 2y, y की जगह पे cos 90, 0 माइनस cos 2x, अच्छा y था ना, एक मिनट, cos 2y था तो π/2 डालेंगे तो माइनस 1 आएगा, पाई हो जाएगा, π/2 है उसका डबल, माइनस 1 आएगा, इधर डालते तो जीरो हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, y डैश इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी बाहर है उसे अंदर ले लो, सो 2 2 से कट जाएगा, पाई आ जाएगा और नीचे माइनस π/2 आ जाएगा, माइनस π/2 क्योंकि ये इससे कटेगा। सो द आंसर इज y डैश इज -2। इज दैट क्लियर? तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट इक्वल टू -2, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं, जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/2, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय
पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1, y1 इज व्हाट पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, x माइनस पाई बाय 4, y माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस पाई बाय 2, ये सब इस साइड लेके जाओ, 2x प्लस y माइनस पाई इक्वल टू 0, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, नॉर्मल भी ऐसे हो जाएगा, y माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाय 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2y माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 4x माइनस पाई बाय 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट्स 8y माइनस 4 पाई इक्वल टू 4x माइनस पाई, नाउ शिफ्ट ऑल द टर्म हियर एंड दैट, सो 4x माइनस 8y ये उधर गया प्लस 3 पाई इक्वल टू 0, सो लेट मी चेक क्या ये दोनों परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, इसका स्लोप माइनस 1 बाय 2, इसका स्लोप सॉरी माइनस ए बाई बी यानी माइनस 2, इसका स्लोप ओके 1 बाय 2, हाँ करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट है, अंडरस्टूड। सर ने क्या किया, सर वो चार स्टेप फॉलो करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल के पॉइंट डालने पे स्लोप मिलता है। अब ये देखो ये दोनों पैरामेट्रिक है, तो चाहे तुम बोलो तो मैं सिक्स कर दूँ सेवन्थ कर दूँ, कोई एक सिक्स वाला तो तुम लोग कर लोगे होमवर्क, मुझे लगता है मैं सेवन्थ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पैरामेट्रिक में तो तुम्हें क्या करना होगा, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव के हिसाब से जाना पड़ेगा, डीएक्स बाई डी टी करो तो ये हो जाएगा वन बाई टू रूट टी, वाई जो है वो है टी माइनस वन बाई रूट टी, तो डी वाई बाई डी टी, टी का डेरिवेटिव ये हो जाएगा वन माइनस टी वन बाई टी रेस टू हाफ, वन वन बाई एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस हाफ, और नीचे एक बढ़ जाएगा हाफ प्लस वन टी रेस टू थ्री बाई टू। मैं तुम्हें रिमाइंडर दे देता हूँ इसके लिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, ठीक है ये रिमाइंडर है, अब तुम दिमाग लगाना है लगा लो। सो डी वाई बाई डी टी आ गया तुम्हें वन प्लस हाफ टी रेस टू थ्री बाई टू, टी रेस टू थ्री बाई टू, सो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वन प्लस वन बाई टू टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू रूट टी, बरोबर। अगर थोड़ा कैलकुलेशन एक लाइन और आएगा इसमें करना है तो कर लो, फट पिट जाएगा। पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, इट्स अ टू टी रेस टू थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन टू टी रेस टू थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू टी रेस टू हाफ, टू टू से गया ये हाफ माइनस हो गया तो टू बाई टू आ जाएगा यानी वन पावर आएगा। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है ना वो ऐसे आ रहा है टू टी रेस टू थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन टी, ठीक है। अब वो फोर डालो तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू फोर, टी इक्वल टू फोर डालो तो फोर का स्क्वायर रूट टू का क्यूब, टू का क्यूब होता है एट इंटू टू सिक्सटीन, वन सेवनटीन डिवाइडेड बाई टी फोर है, ये टैंजेंट का स्लोप है। अब कोई बच्चा बोले कैसे किया, मैं देखो यहाँ टी दिया है मैंने यहाँ पे डाला टी फोर, ये बाई है ना वो स्क्वायर रूट बता रहा है, फोर का स्क्वायर रूट यानी टू का क्यूब एट इंटू टू सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन बाई टी कितना है फोर। अच्छा अब x1 कितना आएगा, x1 इक्वल टू रूट ऑफ फोर, ठीक है ये करस ये पॉइंट डालोगे तो इससे x1 y1 मिलेगा ये, और y1 कितना मिलेगा फोर माइनस वन बाई रूट फोर, इट्स अ फोर माइनस वन बाई टू सेवन बाई टू मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा
इट्स अ वाई माइनस वाई वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन स्लोप टाइम्स ऑफ 17 बाई 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम वे में लिखना है आपको, y माइनस वाई वन टैंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करके माइनस 4 बाई 17 एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन इज हाउ मच 2, तो इस तरह करके हमने टैंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया, गॉट इट। तो ये अलग अलग वैरायटी थी, पहला जो क्वेश्चन कराया था उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं, मतलब y इक्वल टू पूरा का पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x, दूसरा जो हमने कराया था वो इम्प्लिसिट, मतलब एक्स वाई कॉमन आते हैं, फिर तीसरा ये टाइप का जो न्यूमेरिकल कराया वो पैरामेट्रिक है। तो एक्चुअली इसका नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों रखा गया है इसको समझो, ये डेरिवेटिव के ही सारे कॉन्सेप्ट अपने को रिवाइज करने हैं ढंग से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट निकालो वेयर टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब अगर मैं बात करूं कि ये कर्व क्या है, चलो इसका y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, अच्छा हालांकि मैं जानता हूँ कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है लेकिन तुम नहीं जानते हो, तो ये मान के चलो ये हमें ऐसे कह रहा है कि ये इसके ऊपर एक पॉइंट निकालो जहां पे टैंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, मान लो पॉइंट ये है एक्स वन वाई वन। सो मैं अभी पहले एक ऐसे कहता हूँ वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 3 है, dy by dx लिया तो फिर हो गया 1 by 2 रूट एक्स माइनस 3, और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट में बदलने के लिए मान के चलो कि ये टैंजेंट जो है वो एट द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पे ड्रॉ किया गया है, ये हो जाएगा 1 by 2 रूट ऑफ एक्स वन माइनस 3, बरोबर। ये टैंजेंट का स्लोप आया लेकिन टैंजेंट परपेंडिकुलर टू 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, टैंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो लेट मी रिमाइंड यू कि अगर एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पेयर ऑफ लाइंस है ना उसमें भी देखना, तो स्लोप ऑफ द लाइन ना माइनस ए बाई बी करके निकाला जाता है, ये याद रखो। कोई बच्चा बोलेगा ये क्यों सिखा रहे हो, यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई लाइन का स्लोप इक्वल टू माइनस वन, टैंजेंट का स्लोप आ गया 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स वन माइनस 3 और लाइन का स्लोप आ गया माइनस 6 अपॉन 3, दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन, ये इससे कटा 2, ये इससे कटा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 इक्वल टू रूट एक्स वन माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 इक्वल टू एक्स वन माइनस 3 इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू 4 आ गया। एक बार एक्स वन 4 आ गया तो हम वाई वन निकाल सकते हैं, बिकॉज एक्स वन वाई वन जो है ना वो कर्व पे लाई कहता है, सिंस पी एक्स वन वाई वन लाइज ऑन y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, इस कर्व पे एक्स वन वाई वन इस पे है ना, ये देखो ना ये कर्व पे पॉइंट है, ये दोनों टैंजेंट और कर्व, तो इसलिए इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा y1 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वन माइनस 3। अब y1 निकालना है, उसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व, आपको ये निकालना है कि ये टैंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है। अब x1 मेरे पास कितना है 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया, तो देयर फोर जिस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट कुछ और नहीं है 4,1 है, जहां पे टैंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा। अब दिमाग लगा लो, छोटा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व सेम वे में है, यहां पे बस टैंजेंट पैरेलल है। तो आई होप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के बजाय तुम्हें होमवर्क देना चाहिए, ये उसी चीज का है, यहाँ पे जस्ट टैंजेंट पैरेलल है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वही है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स टू द कर्व, यानी टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, समझे इस बात को. यहां पे कहता है टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप ऑफ टैंजेंट एक्स एक्सिस खुद के साथ जीरो डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, फ्लैट है ना, सीधी लाइन. अगर सीधी सीधी बात करो ना, ये कोई लाइन है और इसको पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा, जीरो डिग्री का एंगल होगा, इसलिए टैंजेंट का भी स्लोप जीरो है. तो अपने को पॉइंट ढूंढना, अपने को टैंजेंट ढूंढना है, ठीक है. चलो स्टार्ट यहां से करते हैं, सोल्यूशन में जाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये मैंने कर्व लिख लिया. डेरिवेटिव टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश माइनस टू एक्स सॉरी टू इंटू वन माइनस फोर इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो. इन दो कर्व में से, इनफैक्ट टू से पहले डिवाइड कर लो, तो एक्स प्लस वाई वाई डैश माइनस वन माइनस टू वाई डैश इक्वल टू जीरो. अब इन दो में से क्या कॉमन है, वाई डैश कॉमन है, तो फिर बचेगा क्या, वाई माइनस टू, और ये टर्म उधर जाएगा तो वन माइनस एक्स हो जाएगा. तो वाई डैश हो जाएगा तुम्हारा, वाई डैश की बात करें तो इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस टू, और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करें देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स. चलो मान के चलते हैं ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है, ये पॉइंट एक्स वन वाई वन पे टैंजेंट ड्रॉ किया है, तो वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन माइनस टू, ये तो तुम्हारा टैंजेंट का स्लोप हो गया. अब मैंने जैसे बताया टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वन माइनस एक्स वन अपॉन y1 वन माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया. सो वन माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो, तो x1 वन इक्वल टू वन आ गया. मतलब अगर, हालांकि मुझे मालूम है कि ये क्या है, लेकिन मैं मोटा मोटी कहूँ कि अगर एक डायग्राम ऐसा है, तो तुम्हें कह रहा था इस पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालो, ये टैंजेंट है. जस्ट अ मिनट, मैं सर्कल को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. बोलता है ये पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालो, मैंने लिखा कि ये है, और फिर यही चीज बोला है. रुको, मुझे डायग्राम फिर एक बार सही करना चाहिए. ये वो पॉइंट है, और बोलता है ये टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कुछ इस तरह. एक्स वन आ गया, अब मुझे मिल गया कि एक्स वन इसका वन है. अब वाई वन कैसे ढूंढेंगे, तो वाई वन टैंजेंट पे भी है, कर्व पे भी है, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. सिंस पी एक्स वन वाई वन लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या इक्वेशन दिया है प्रीवियस, माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयर फोर, क्योंकि ये लाई करता है, इसलिए हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस 2x1 minus 4y1 plus 1 equal to 0, ठीक है. अब क्योंकि मेरे पास x1 आ चुका है, देखो प्रीवियस में x1 1 आ चुका है, 1 डालने के बाद 1 square plus y1 square minus 2 into 1 minus 4 into y1 plus 1 equal to 0, तो ये हो जाएगा y1 square minus 4y1, ये कितना हो गया 1 plus 1 2, और ये 2 इस 2 से खत्म हो गया इक्वल टू जीरो. तो एक तो आ रहा है वाई वन इक्वल टू जीरो और वाई वन इक्वल टू फोर. अच्छा यहाँ पे गलती होती है, आप लोग क्या करते हो, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई वन करके
ठीक है, एक वाई वन काट देते हो तो आपको एक ही आंसर मिलता है, ऐसे नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि फिर क्वाड्रेटिक है, इसके दो आंसर आने चाहिए, ये दिमाग में रखो। केस वन, केस वन पॉइंट आ गया एक्स वन वाई वन, ठीक है, पॉइंट कितना आ गया एक्स वन वन कॉमा जीरो, ठीक है। केस टू, जैसे मैं केस वन के लिए बता रहा हूं वैसे ही एक्स वन वाई वन, ये जो हो जाएगा एक्स वन वाई वन ये वन कॉमा फोर। अच्छा, व्हाट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट जीरो होगा। फिर बच्चा कहे क्यों जीरो होगा, अरे भाई स्लोप ऑफ टैंजेंट इसलिए जीरो होगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो टैंजेंट का स्लोप तो वैसे भी जीरो ही होना है। अच्छा, कोई बोले सर ये पॉइंट डाल के चेक करे, कर लो, वही सेम आंसर आएगा। फिर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये आ गया वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। सो वाई इक्वल टू जीरो एक ऐसे आ गया, और एक इधर से निकाल लो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y माइनस फोर इक्वल टू जीरो टाइम्स ऑफ x माइनस वन, y माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये सबसे आसान तरीका था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, अब यहां पे नॉर्मल निकालना है, अब तक हम क्या निकाल रहे थे टैंजेंट, टैंजेंट, तो अब हम निकालेंगे नॉर्मल। अगर कहो कि सर एक ऐसा डायग्राम है, देखो कोई जो तुम्हें मुझे मालूम है कि डायग्राम कैसे दिखेगा, तुम्हें ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर याद रखो। देखो मान लिया कि पी एक्स वन वाई वन पे नॉर्मल वो ड्रॉ किया गया है, और नॉर्मल इस लाइन को पैरेलल है, ऐसे पूरा डेटा है। चलो अप्रोच करते हैं, ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, x के साथ डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, फिर आंसर आ गया क्या 0। फिर 6x minus 2y dy by dx equal to 0, ठीक है। सो 6x equal to 2y dy by dx, 2y dy by dx, फिर ये इसके नीचे लेते हैं dy by dx equal to 3x upon y, 3x अपॉन y हो गया। अब टैंजेंट का स्लोप, टैंजेंट का स्लोप, अब टैंजेंट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ड्रॉ किया जाता है, तो dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 कर देते हैं, सो इट इज 3x1 अपॉन y1, तो ये टैंजेंट का स्लोप आ गया। देयरफॉर नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो y1 अपॉन 3x1 हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस y1 अपॉन 3x1, समझ में आया कि नहीं। टैंजेंट पैरेलल टू नॉर्मल, टैंजेंट सॉरी नॉर्मल पैरेलल टू नॉर्मल पैरेलल टू x प्लस 3y इक्वल टू 4, नॉर्मल इसको पैरेलल है, इसका मतलब कि माइनस y1 अपॉन 3x1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा, थ्री थ्री गया, सो देयरफॉर मेरे पास आ गया वाई वन इक्वल टू एक्स वन, वाई वन एक्स वन के बराबर है, ये माइनस ए बाई बी से निकाला ना मैंने स्लोप। अब यही जो पॉइंट है वो चाहे बोलो तो टैंजेंट पे है, चाहे बोलो तो नॉर्मल पे, चाहे कर्व पे है, कर्व पे, सिंस एक्स वन वाई वन लाइज ऑन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, तो थ्री एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एट हो जाएगा। अब वाई वन बराबर एक्स वन हो गया, तो थ्री एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एट, टू एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एट, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस टू। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अभी तो हमें वो पॉइंट मिल रहा है, अब देयरफॉर केस वन। चलो अगले पेज पे जाते हैं,
अगले पेज पे केस वन। सो मुझे क्या आया था प्रीवियस में, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आया था। पहले तो मुझे एक्स वन कितना है प्लस माइनस टू, तो प्लस टू लेते हैं तो वाई वन भी टू आ जाएगा। ये देखो ये ए पहला इक्वेशन है, एक्स वन इक्वल टू टू देयर फोर वाई वन इक्वल टू एक्स वन दिया हुआ है, तो ये भी टू हो जाएगा। एक पॉइंट मिल गया एक्स वन कॉमा वाई वन टू कॉमा टू एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस वाई वन अपॉन थ्री एक्स वन ऐसे कुछ दिया है, तो माइनस टू बाई थ्री इंटू टू माइनस वन बाई थ्री माइनस y1 वन बाई थ्री एक्स वन माइनस वाई वन बाई थ्री एक्स वन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम्हारा जो आ जाएगा इट्स y माइनस टू इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस टू। सो थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये आ गया। देन वी विल गो फॉर केस टू, एक्स वन इक्वल टू माइनस टू देयर फॉर वाई वन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टू एंड यू विल हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर माइनस टू कॉमा माइनस टू। तो आगे प्लीज कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट, अच्छा क्या कहता है, इफ द लाइन टचेस द कर्व, ये लाइन इस यानी ये लाइन इसकी टैंजेंट हो गई एट दिस पॉइंट, तो मतलब ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट ये कर्व हो गया, ये एट पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो तो सोल्यूशन में जाते हैं, तो मैंने ऐसे किया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर है ना, तो इसका डेरिवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, थ्री एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा थ्री ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई। अब यही स्लोप में तब कन्वर्ट होगा जब इसमें हम पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट टू कॉमा थ्री डाल देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू ए इंटू टू का स्क्वायर अपॉन टू इंटू थ्री, थ्री थ्री से गया एक टू टू से गया, स्लोप यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप जो बना वो यहाँ से ए टू ए बन गया, टैंजेंट का स्लोप टू ए बना, बट y इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टैंजेंट टू दिस कर्व एट टू कॉमा थ्री विच इज गिवन, विच इज गिवन। इस हिसाब से तो मैं कह दूं कि यही टैंजेंट का स्लोप होगा, देयरफॉर फोर ही टैंजेंट का स्लोप होगा टू ए, तो ये इधर आ गया तो ये डाल दो यहाँ पे टू इक्वल टू ए, तो ए आ गया टू, समझ में आया कि नहीं। बी कैसे निकालेंगे, तो टू कॉमा थ्री ये पॉइंट ऑन अ कर्व है, यहाँ पे मैं ये लिखूं कि सिंस टू कॉमा थ्री इज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व ये पॉइंट कर्व पे है, इसकी वजह से y की जगह पे आएगा 3 जो कर देगा 9, a की जगह पे आएगा 2 जो करेगा 2, x की जगह पे भी 2 आएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस b जो देगा y, सॉरी 9 इक्वल टू अंडू 9 इक्वल टू 8 16 प्लस b माइनस किया तो बी इक्वल टू माइनस सेवन, तो ये रहा ए ये रहा बी। देखो कितना डिफिकल्ट है, कोई बच्चा बोले सर फिर समझा दो, बहुत इजी है, पहले समझो तो सही। बोलता है ये लाइन
इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करता है, मतलब ये गिवन टैंजेंट है, गिवन टैंजेंट है तो टैंजेंट का स्लोप भी मेरे पास है, टैंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका डेरिवेटिव भी है। तो मैंने कैसे किया, एक तो गिवन स्लोप और एक टैंजेंट का स्लोप थियोरेटिकली मतलब डेरिवेटिव से मैंने निकाल लिया, फिर क्योंकि दोनों ही उसी टैंजेंट का स्लोप है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने के बाद मुझे ए मिला, और क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई करेगा इसलिए कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो, तो अब टेक्सुअल लेवल पे टैंजेंट, टेक्सुअल लेवल कंप्लीटेड, तो जो बच्चा महाराष्ट्र बोर्ड का है ठीक है, तो उनके बुक का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया ठीक है। अब वो मैंने कैसे रखा है कि लेक्चर ए जो रहेगा, जैसे इसका नंबर है 3 है, जिसमें टैंजेंट की थियरी पार्ट मैंने सिखाया, 3B में सेम इसी के एमसीक्यू सिखाने वाला हूं। अब देखो, अब जो अगला आएगा ना एमसीक्यू के लेक्चर्स आएंगे, तो वेट करो एमसीक्यू का लेक्चर्स, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, और अब हम करेंगे इस चैप्टर का सीईटी ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी